नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। एमसीडी हार पर केजरीवाल का कबूलनामा, कहा हमने की है गलतियां, अब बहाने की नहीं एक्शन की जरूरत। योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान, कहा हवस पूरा करने के लिए 3 तलाक देकर बदलते हैं पत्नी, बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर बीजेपी। 2019 चुनाव की प्लानिंग में जुटे अमित शाह 95 दिनों के लिए देश भर के दौरे पर आज होंगे रवाना, लेकिन पहले 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर दौरे पर। गायत्री प्रजापति को जमानत देने के चलते पॉस्को कोर्ट के स्पेशल जज निलंबित, जज ओपी मिश्रा कल होने वाले थे रिटायर्ड, हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने किया निलंबित। मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार गोरखपुर जाएंगे आदित्यनाथ योगी, गोरखपुर और देवरिया में कई प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा, जिले में 10 से ज्यादा योजनाओं की होगी शुरुआत, विकास और लॉ एंड ऑर्डर की भी करेंगे समीक्षा। दिल्ली में पत्नी को गोली मारकर खुद भी की आत्महत्या, गंभीर हालत में महिला रोहिणी के अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। कानपुर के शहीद कैप्टन आयुष यादव का शव पहुंचा घर, नम आंखों से दी गई विदाई, कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकी हमले में शहीद हुए थे कैप्टन आयुष यादव। उत्तर कोरिया पर अमेरिका की चेतावनी बेअसर, उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया का दावा सफल नहीं रहा मिसाइल परीक्षण। यूएस थिंक टैंक की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राय, पाकिस्तान के खिलाफ अपना रुख बदले अमेरिका, खुद ले आतंकी पनाहगाहों पर एक्शन। और इतिहास रचने से चूक गई पीवी सिंधु, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हारी, 8वीं वरी चीनी खिलाड़ी है बिंग जियाओ ने सिंधु को 15-21, 21-14, 24-22 से हराकर किया बाहर। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां आए खबरें लगातार।